ज्यादा बैठाया हुआ है उन लोगों ने। ये देख, ये घोड़ा मिक्स से वलाई की था। इस घोड़े का नाम बोल्ड है। बोल्ड ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैड ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ठक करके पहुँच जाए। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा को फार्म और हॉर्स फार्मिंग, मतलब कि घोड़ों का फार्म और गाय का फार्म करना। चलो बिना देर करते हैं आज का व्लॉग शुरू। मंजिल पर पहुँच चुका हूँ। ये वो फार्म है जो मैं अंदर से आपको सारा विज़िट कराऊँगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों के साथ आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो आप चलते हैं अंदर। माशाल्लाह ये देखें, मैं फार्म के अंदर आ गया हूँ। ये देखें, गांव वाला फार्म है। आपको मैं सारी डिटेल बताऊँगा इनकी। सबसे पहले जो यहाँ भाई काम करते हैं ना, यहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा हमारी वीडियो नहीं बनानी, जिस वजह से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की आप बताएं, आप अपनी ज़बानी बताएं कि आप इस इनकी किस तरह देखभाल करते हैं। वो कह रहा है नहीं हमने नहीं बनवानी। इसलिए ना मैंने उनसे पूछ लिया क्या क्या सिस्टम है सारा कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने उस भाई साहब से पहला सवाल पूछा है ना, इनके जो कान है ना, ये जो लगाया हुआ है, ये देखें, जिसको नंबर लिखे हुए चिट्ठी वगैरह जो भी लगाया ना, ये देखें, हर गाय के ऊपर, हर गाय के कान के ऊपर ये देखें। तो उन्होंने बताया कि ये इनका एक नंबर होता है। बाकी आप देखें, बाकी उनसे मैंने इनकी खुराक का पूछा, उन्होंने कहा है मंडा हो गया, चारा हो गया, तूड़ी वगैरह इसको डालते हैं। ये देखें आप बकायदा इनके आगे आपको तूड़ी भी नज़र आ रही होगी। हर गाय के कान पर एक नंबर है, ये अजीब सिस्टम मुझे लगा है, इसके नहीं है बात। ये बड़े चीला रहना, ये आप देख रहे हैं, ये पंखे, एक ये एक वो जो सामने घूम रहा है, इसके अलावा वो इधर भी लगे हुए हैं। ये इनको गर्मियों में हवा देने के लिए है, अभी तो सर्दियां आ गई हैं फिलहाल, बाकी इनको हवा देने के लिए। के बाद यहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बाकी आप ये देखें सफाई बहुत खामोशी है, इससे बहुत खामोशी है। यहाँ आपको दिखाता हूँ जिसके ज़रिए ना ये दूध निकालते हैं। ये देखें, ये वो मशीनें हैं जिसके ज़रिए भैंसों से दूध निकालते हैं। ये देखें, दो ये पड़ी हुई हैं, उसके पास दो ये पड़ी हुई हैं। बाकी पता नहीं अभी इनको किस तरह चलाते हैं। अभी मैं आया हूँ सुबह के वक्त, शाम शायद ये शाम के वक्त इनसे दूध हासिल करते हैं। बाकी उन्होंने मुझे बताया है यहाँ 200 गायें होनी यहाँ तकरीबन। मैं दूसरी साइड पर आ गया हूँ जहाँ छोटी भैंसें हैं। यहाँ तो मैंने आपको बड़ी भैंसें दिखा दी हैं फिलहाल, लेकिन आप इनकी छत देखें। ये देखें, इन्होंने छत ना सारी लोहे की ना मेंटेन की हुई है। इस तरफ भी ये देखें, शटरिंग की छत डाली हुई है, मतलब के ये इस तरफ भी और इस तरफ भी। माशाल्लाह इतने जानवर भी ना फार्म में होना फिर भी ठीक है। आगे इनकी नस्ल बढ़ती जाएगी तो और जानवर बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखें परिंदे कितने ज़्यादा, चिड़िया वगैरह। इधर भी इन्होंने चिलर लगाए हुए हैं, बड़े बड़े पंखे। इस तरफ भी यहाँ ना इन्होंने दो लगाए हुए हैं, क्योंकि ये छोटा है, वो जो बड़ा है उस साइड पे तकरीबन 7 से 8 लगे हुए हैं। तो इस तरफ ये देखें, ये छोटे छोटे हैं। इनके भी हर के कान पे ना नंबर है, कुछ के भी नहीं, इसके भी नहीं है, उसके भी नहीं है, इसके भी नहीं, इसके ऊपर है। ये देखें, ये इस तरह लग रहे हैं जैसे इयर रिंग पहने हो, जो लड़कियाँ नहीं पहनती कांटे जिसे कहते हैं, इस तरह लग रहे हैं। बाकी इस तरफ सामने खेतों का व्यू है। ये जो फार्म है ना, हम बटवान में वाकया है, तो मैंने कहा चलो आज दोस्तों के साथ फार्मिंग ही शेयर कर दें। गांवों का फार्म है, इसके अलावा ना साथ घोड़ों वाला भी है। अगर उसके अंदर जाने दिया ना, मैं आपको घोड़े भी दिखाऊँगा। तो बाकी आपने पैसे देख लिए कितनी कितनी प्यारी है। एक मरतबा मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। आप तो मैंने दूर से कैमरा मारा ना, आपको दूध वाली मशीन भी दिखाई है जिसके ज़रिए वो निकालते हैं। इनके पानी के पीने का इंतज़ाम किया गया। बाकी आप सफाई देखें, मैनू तो लगता 5-10 मिनट बाद गोया कर दें होने बेचारे वक्त पै जाता होना है कि गोया साफ करना है। बाकी गोबर ये देखें, अभी जब मैं साफ सफाई कर रहे थे, ये देखें गंद डाल दिया फिर दोबारा।
इनको अच्छा माहौल लगता पसंद नहीं है ये। बाकी आप देख सकते हैं इनके नीचे ना उन्होंने रेत या मिट्टी रखी हुई है ताकि ये ठंडियाँ ठंडा रहे। बाकी यहाँ ना बाकी बहुत ठंडा मौसम है, वैसे भी सर्दी आ गई, अब पंखे खुद ब खुद हवा के जरिए चल रहे हैं। ज़्यादा बैठाया हुआ है उन लोगों ने, ये देखें ये ना धूप में बैठा हुआ है, शायद इसको सर्दी लग रही है इसलिए इसको अकेला बैठाया है। ये इसकी माँ आ गई है, ये शायद गुस्सा कर रही है मुझ पर, मैं इसको कुछ नहीं कहने वाला, जस्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं इसकी। इसके कान पर भी नंबर है, ये देखें कितनी प्यारी है ये देखें सफ़ेद और ब्लैक। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी, भाई लोगों ने बताई थी कि इनको क्या खिलाते हैं, चारा वगैरह तूड़ी, उसके बाद चोकर वगैरह, और किस तरह मशीन से दूर निकालते वो मैंने आपको दिखाई। उसके अलावा आपने सफाई खुद देखी, पानी कहाँ से पीते हैं वो खुद ही बनाई हुई है वो मैंने आपको दिखाया, और गायें दिखाई, ईयर रिंग्स हर एक ने पहनी हुई थी खूबसूरत खूबसूरत, येलो रेड ब्लू वगैरह वो आपको दिखाई। बाकी जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सका तो मैंने दी है, तो भाई साहब वीडियो में नहीं था आना चाहते इसलिए ना भाई साहब आते तो और बेहतर वीडियो बन जानी थी, क्योंकि वो खुद बताते ना अपनी ज़बान से, क्योंकि वो यहाँ काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगना था। बाकी यहाँ से पता नहीं इन्होंने चूना वगैरह लगाया हुआ है, शायद यहाँ कोई फेस्टिवल पता नहीं क्या हुआ होगा। तो बाकी अभी मैं जाता हूँ आगे घोड़ों वाले फार्मिंग में आगे जाते हैं, तो इससे आगे मैंने पूछ लिया वो आगे रास्ता जाता है इस तरफ, तो अभी मैं जाता हूँ। मैं परेशान था, मेरी बाइक ना कोई ले जाए, मैं अंदर था तो बाइक अकेली बाहर थी, तो अभी जाते हैं आगे घोड़ों वाले फार्मिंग। इन्होंने तो इजाज़त दे दी थी कि वीडियो बना लें, आगे पता नहीं देते हैं कि नहीं। अभी जाते हैं घोड़ों वाले फार्मिंग, तो आपको वो जाके वहाँ मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब मैं आ गया हूँ घोड़ों के फार्म में। सबसे पहले ये देखिए इनका ना अलग अलग अपॉइंटमेंट बनाया, मतलब कि अलग अलग कमरा बनाया, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, मतलब के उन्होंने ना जगह कवर की हुई है अलग अलग घोड़ा और घोड़े के लिए। अभी ये देखें सबसे पहले, और एक वो अंतर है, इसको मैं नहीं खोलूँगा, इसने बाहर आया ना, इस दरवाज़े को खोल के मैं अंदर जाता हूँ। ये भी एक खुला ही हुआ है शायद, आप देखें। अभी ये जो आप घोड़ा देख रहे हैं ना, ये अरबी घोड़ा है, देखें ब्राउन कलर का, और भी की हाल ही घोड़ी है। अंदर नहीं मैं जाके दिखा सकता क्योंकि ये बाहर आ जाएंगे इसलिए, और ये मारते भी हैं। इनको ना चने की खुराक देते हैं तो ये सिर्फ चने ही खाते हैं, अब ये नहीं पता सफेद के काले खाने, तो इन्होंने चने जो मर्जी डाल दो इनको। अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता, पता नहीं मारते हैं शायद, मैं तो डर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें कि खड़ाक क्या मैं दिखाऊं, ये खा ही गए हैं। ये देखें हर कलर के यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, इस सिर्फ ब्लैक, इस सिर्फ वाइट। तो अभी भाई साहब आ गए हैं, आपको इन सब घोड़ों के नस्ल के बारे में बताएंगे ये किस नस्ल के हैं। तो चलो शुरू हो जाओ स्टार्ट। इधर सो भाईया ने घोड़े का नाम की है, इस घोड़े का नाम फखरे इकबाल का बच्चा है, फखरे बटवा है। हां जी, इसका नाम ही फखरे बटवा भाईया। हां जी, आहिस्ता आहिस्ता आगे सारे दस्त। इस मस्ताने वाली लड़ते इस घोड़े का नाम करम, ठीक हो गया। आगा होई ये घोड़ा मिक्स है वलायती का, इस घोड़े का नाम बोल है, बोल बोल, ठीक। इस घोड़े का नाम बराम, ये देख ये जी है लेर साहब का घोड़ा भरम है जी, बड़ा अच्छा नेजबाज घोड़ा है जी। ए नरगाने वाली लड़ी दा आ केला, ए जी नरगाने का बच्चा है, बरियान का भाई, बड़ा अच्छा घोड़ा है। ए नेजबाज बहुत खूबसूरत, आई साइज आ गया यो, तो दसी जा सारे। ए घोड़ा बुल्ले सियाल का बच्चा, सारे ना खूबसूरत है घोड़ा जी। आई जाओ यार, रुक गए जे, ऐ सुले सियाल दा बच्चा, ऐ सुले सियाल दा बच्चा, ऐ तीन नुकरे उस दे बच्चे, ऐ मिराले दे बच्चे, ऐ आले ते ऐ दो, ऐ सावे मिराले दे बच्चे, ठीक है। मेहरबानी बड़ी बड़ी दसन दी, थैंक यू। घोड़ों का भी दिखा दिया है अल्लाह के फजल करम से, सबसे पहले गाँव गायें जहाँ भैंसों का दिखाया, उसके बाद घोड़ों का दिखाया,
भाई साहब काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे घोड़ों वाले, तो फिर भी आ गए गाँव वालों ने, तो आग बताया नहीं था ये किस तरह असल की ये वो इन्होंने बताया, बहुत ज़बरदस्त लगा। तो बाकी आपने ना इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जाने लगा हूँ वापस, ये भी ना खेतों में ही है, ये भी बाहर की तरफ है, और ये शायद ना नया फार्म बन रहा है, ये नहीं पता इसके अंदर अब क्या लाएंगे। जब कोई चीज़ नहीं लेकर आएंगे जानवर वगैरह वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं गांव वापस। कि यहाँ से मैं गुजर रहा था, आप ये मिट्टी का घर देख रहे हैं ना, पहले इस तरह गांव में घर हुआ करते थे, इस तरह के घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसकी मरम्मत होने वाली है, देखें इसकी भी खस्ता हालत हो गई है। इस तरह के मिट्टी के घर देख के ना पता नहीं दिल को सुकून मिलता, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाकी अभी मैं जा रहा हूँ रास्ते से वापस, तो ये रास्ते में आया था, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दें। आपने कमेंट्स में बताना है मिट्टी के घर आपको पसंद है कि नहीं। आपने अक्सर देखा होगा गांव में, लेकिन अब गांव में ना ये रिवाज ही ख़त्म हो गया, अब नए नए घर बिल्डिंग्स, शहरों में बिल्डिंग्स और देहात में अभी घर हैं पक्के जो बन गए हैं, इस तरह के कच्चे घर किसी किसी गाँव में रह गए, नहीं तो ख़त्म हो गया यह सारा सिस्टम। वापस आ गया हूँ अल्लाह के फजल करम से, लेकिन बाइक दो मरतबा रास्ते में ना बाइक दो मरतबा धोखा देने लगी थी, पेट्रोल बिल्कुल कम रह गया था, लेकिन फिर भी पहुँचा दिया, वफादार निकली इसका मतलब है। अब इसको करते हैं अंदर,